पोडियम पर मेडल लेने के लिए खड़े किसी खिलाड़ी को शायद ही आपने यूं फूट फूट कर रोते देखा हो। भारत की बॉक्सर सरिता देवी की आंखों से निकलते ये आंसू हार के नहीं बल्कि नाइंसाफी के हैं। ये आंसू बॉक्सिंग रिंग में उस फैसले के खिलाफ हैं जो हर किसी को हैरान कर रहा है। उनतीस साल की बॉक्सर सरिता देवी का कोरिया की बॉक्सर पार्क जिना से सेमीफाइनल मुकाबला था। सरिता देवी कोरिया की बॉक्सर पर हावी दिखाई दे रही थी। सरिता मुक्के पर मुक्के बरसा रही थी। पहले राउंड में यह कहना मुश्किल था कि कौन सी खिलाड़ी हावी है। मुकाबला कांटे का था। दूसरा राउंड शुरू होते ही सरिता ने बेहतरीन वापसी की और कोरियन बॉक्सर पर काबू किया। सरिता के शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी तीन जजों में दो ने ही सरिता के पक्ष में फैसला दिया। तीसरा राउंड सरिता जीना पर पूरी तरह से हावी थी। सरिता का पंच जीना के मुंह पर लगा, उन्हें चोट भी लगी, लेकिन इस बार तीन में से दो जजों ने कोरिया की बॉक्सर के पक्ष में फैसला सुनाया। Two of the judges have scored this third round in favor of Park Jina. चौथे राउंड में भी सरिता देवी के पंच बेहद दमदार थे। वहीं कोरिया की बॉक्सर सरिता को पंच मारने में कई बार चूकी। इस सब के बावजूद सरिता की जगह कोरिया की बॉक्सर पार्क जिना को विजेता घोषित किया गया। सरिता हैरान थी, वो काफी देर तक रिंग में ही खड़ी रही। और फिर जब फाइनल के बाद मेडल लेने की बारी आई तो सरिता भावुक हो गई। पोडियम पर चढ़ते ही सरिता की आंखों से आंसू निकलने लगे। जब उन्हें ब्रॉन्ज मेडल गले में पहनाया जाने लगा तो सरिता ने पहनने से इनकार कर दिया। She's saying, please don't hang it around her. She's actually refusing to take the bronze medal. बहुत कहने पर रोते हुए सरिता ने मेडल हाथ में ले लिया और कुछ पल के बाद सरिता पोडियम से उतरी और अपना ब्रॉन्ज मेडल कोरिया की बॉक्सर पार्क जिना के गले में जाकर पहना दिया। हर कोई हैरान था। कोरिया की बॉक्सर पार्क जिना सरिता के पास गई और उनसे अपना मेडल वापस लेने को कहा। सरिता मेडल लेने से मना करती रही और फिर पोडियम पर ही अपना मेडल छोड़कर चली गई। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक सरिता ने अपने कोच और एक भारतीय पत्रकार से 30,000 रुपए उधार लेकर इस फैसले के खिलाफ अपील भी की है, लेकिन नियमों के मुताबिक इस अपील के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। सवाल यह है कि जब ये बात वहां मौजूद भारतीय अधिकारियों को पता थी तो फिर सरिता को अपील दर्ज करने से रोका क्यों नहीं गया। मैरी कॉम ने भी इस फैसले को सरिता के साथ नाइंसाफी बताया। मैरी कॉम ने बयान देकर कहा, मेरे लिए इस मेडल के कई मायने हैं। मैं सरिता के आंसू नहीं देख पा रही थी। उनके साथ अन्याय हुआ है और इसी अन्याय का प्रतीकात्मक बदला लेने के लिए मैं हर हाल में गोल्ड जीतना चाहती थी। साथ ही मैं अपने तीन बच्चों के लिए मेडल जीतना चाहती थी। सरिता नेशनल चैंपियन है। बेहद गरीब परिवार से तमाम संघर्ष के बाद वो यहाँ तक पहुँची है। सरिता हार स्वीकार करने का मादा रखती हैं और गलत फैसले के खिलाफ आवाज उठाने का भी। भारत की बॉक्सर सरिता देवी को उनका सम्मान वापस चाहिए।